दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमने log x और 3x माइनस एक्स स्क्वायर का के स्केचेस बनाने हैं, फिर उनको इंटरसेक्टिंग पॉइंट शो करना है। y इज इक्वल टू log x और y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर। एक ग्राफ हमने log x का स्केच करना है, दूसरा इसका स्केच करना है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वो log फंक्शन है। इस ग्राफ क्वाड्रेटिक का ग्राफ स्केच करने के लिए हमें वर्टेक्स की ज़रूरत है, तो वर्टेक्स जो होता है वो टर्निंग पॉइंट, वो उसका x कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी ओवर 2a। तो पहले हम इसको लिख लेंगे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, a इज माइनस 1 एंड b इज 3, तो x कोऑर्डिनेट विल बी माइनस 3 ओवर माइनस 2, x इज इक्वल टू 3 ओवर 2। और ये x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास y भी आ जाएगा, तो y इज 9/4। तो टर्निंग पॉइंट इज 3/2 9/4। अब इसको स्केच करते हैं। एक्सेस एंड वाई से एक्सेस टर्निंग पॉइंट इज 3/2, दिस इज 1, थ्री ओवर टू इज हेयर, वाई इज 9/4। तो इसका स्केच होगा, दिस इज अ स्केच ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड लॉग का स्केच होता है। दिस इज अ स्केच ऑफ लॉग और दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। This is our root. So there is only one root. This is the root because the point of intersection of both the curve is only one. So there is only one root. Next is second part, verify by calculation that the root lies between 2 and 2.5, 2.8. So we will use sign change rule. ये x की दोनों values हम put करेंगे, पहले हम उस दोनों functions को merge करके यूँ लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। हम दोनों वैल्यू पुट करेंगे, पहले 2 पुट करते हैं एक्स की जगह, दिस बिकम्स लॉग 2 माइनस 3 इंटू 2
प्लस टू स्केयर वी विल गेट दिस माइनस 1.31. दिस इज नेगेटिव, एफ टू इज नेगेटिव. इन द सेम वे एफ 2.8 इज इक्वल टू लॉग 2.8 माइनस 3 इंटू 2.8 प्लस 2.8 स्क्वायर एंड वी विल गेट 0.470. तो ये देखें, एक वैल्यू नेगेटिव है, ये दूसरी पॉजिटिव है. दिस इज साइन चेंज रूल. दिस शोज दैट अब रूट लाइज बिटवीन 2 and 2.5. तो दिस इज वेरीफाइड. नेक्स्ट पार्ट सी. पार्ट सी में आइटरेटिव फार्मूला गिवन है. वी हैव टू फाइंड द रूट यूजिंग आइटरेटिव मेथड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट आइटरेशन इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन. तो वी विल टेक एनी सूटेबल वैल्यू बिटवीन 2 and 2.5. लेट्स से एक्स वन x1 सपोज 2.4. ये हमने खुद से लिया है क्योंकि 2.4 लाइज बिटवीन 2 and 2.8. नो टू फाइंड x2 वी विल पुट n इज इक्वल टू 1 इन दिस फार्मूला. We will get 3x1 minus log x1 whole and root. Putting in this formula, iterative formula, putting the values of x1. 3 into 2.4 minus log 2.4 whole under root. Using your calculator, we will get 2.5149 correct to 4 decimal places. Next, x3. Now we will put in x2, 3 into 2.5149 minus log 2.5149 under root. After calculation, we will get 2.5734. Next is x4. x4 in the same way, x4 is
6029 x5 is 2.61 76 x6 is 2.6250 x7 is 2.6287 x8 x8 is 2.6305 x9 is 2.6314 x10 2.6319। तो यहाँ पे ये देखें, 3 decimal place तक आंसर सेम आना शुरू हो गया है। यहीं पे आपने, यहाँ से आखिरी आइट्रेशन x10 है, यहाँ से अल्फ़ा फाइंड हो गया, करेक्ट 2 decimal हमारा आंसर आ जाएगा 2.63। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 आर द इनिशियल कंडीशन फॉर दिस। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन dy और dx इज इक्वल टू x e y माइनस x। फर्स्ट स्टेप होता है टू सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। फर्स्ट वी विल सेपरेट दिस, वी कैन राइट e raised to our y into e raised to our minus x. Now dy over dx is equal to x ey e minus x, separating the variables. ये dy के नीचे e raised to our y आ जाएगा और x इंटू ई पावर माइनस x के साथ dx आ जाएगा। ये सेपरेट हो गए वेरिएबल्स। नेक्स्ट स्टेप इज टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स। पहले इसको लिख लें e की पावर नेगेटिव y dy x e रेस पावर माइनस x। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला यूज़ होगा, लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन होगी ई रेस्ट पर नेगेटिव वाई ओवर नेगेटिव वन। जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव वन इसलिए आता है कि माइनस वाई की डिफरेंशिएशन नेगेटिव वन है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का राइट साइड पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इज एक्स, सेकंड इज ई की पावर माइनस एक्स। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन
माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज वन। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये बन जाएगा नेगेटिव वन ओवर ई रेस्ट पावर वाई इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स ई रेस्ट पावर नेगेटिव एक्स प्लस, ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, e की पावर नेगेटिव एक्स डी एक्स। अब दोबारा से फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, e की पावर नेगेटिव एक्स को, तो ये बन जाएगा वन माइनस वन ओवर ई रेस्ट पावर नेगेटिव वन ओवर e की पावर वाई माइनस एक्स ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, दिस इज ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ओवर माइनस वन प्लस सी दिस सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको रीअरेंज करते हैं, नेगेटिव वन ओवर ई रेस्ट पावर वाई इक्वल टू माइनस एक्स ई रेस्ट पावर नेगेटिव एक्स माइनस ई रेस्ट पावर नेगेटिव एक्स प्लस सी। नॉट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, हमारे पास इनिशियल कंडीशंस हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस वन ओवर ई रेस्ट पावर जीरो, ये जीरो बन गया है बिकॉज एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज जीरो, माइनस ई रेस्ट पावर जीरो प्लस सी, नेगेटिव वन ई की पावर जीरो वन होता है प्लस सी, यहाँ से सी जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, c इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी माइनस वन ओवर e रेस्ट पावर y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स e रेस्ट पावर नेगेटिव एक्स माइनस e रेस्ट पावर नेगेटिव एक्स, और दिस बिकम्स हम दोनों तरफ नेगेटिव साइन, नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई कर दें कर देते हैं ताकि ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाए, तो ये हमारे पास बन जाएगा ई नेगेटिव वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। अब हमने यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाना है, तो बिकॉज ऑल द फंक्शंस आर एक्सपोनेंशियल वी विल टेक log ईच साइड, log लेंगे log e की पावर माइनस y, इधर log इन दोनों टर्म्स के साथ लग जाएगा, x e माइनस x प्लस e माइनस x, लॉग प्रॉपर्टी से ये माइनस बाय नीचे आ जाएगा, स्टार्ट में लॉग के स्टार्ट में आ जाएगा, माइनस बाय लॉग ई इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस। तो लॉग ई वन होता है तो ये बन जाएगा माइनस फाइव इज इक्वल टू लॉग
ई माइनस एक्स प्लस ई माइनस एक्स, इस नेगेटिव वाई दोनों तरफ नेगेटिव वाई से नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये माइनस वाई जो पॉजिटिव हो जाए वाई, तो वाई इज इक्वल टू नेगेटिव वन लॉग एक्स ई पावर नेगेटिव एक्स प्लस ई नेगेटिव एक्स। तो नेगेटिव लॉग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ये माइनस वन यहाँ पे चले जाएगा वाई लॉग एक्स ई माइनस एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ये नेगेटिव वन यहाँ चला जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा माइनस वन की वजह से डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो वाई हो जाएगा लॉग वन ओवर एक्स ई माइनस एक्स प्लस ई माइनस एक्स। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लोग वन ओवर एक्स ओवर ई एक्स प्लस वन ओवर ई एक्स। तो यहाँ से एलसीएम प्रोसेस से हमारे पास वाई आ जाएगा लॉग वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर ई की पावर एक्स, तो ये ऊपर चला जाएगा कि ई की पावर एक्स। हमारे पास फाइनली ये आ जाएगा ई की पावर एक्स ओवर एक्स प्लस वन। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट इज, अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू वन पुट करना है। बी पार्ट के लिए x इज इक्वल टू वन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू log ई एक्स ओवर एक्स प्लस वन। एक्स को वन पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू log e पावर वन ओवर टू। तो इसको लिख लेंगे हम log e माइनस log टू, log प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने यहाँ पे, log e वन होता है यहाँ वन आ जाएगा यहाँ log टू आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर इन द रिक्वायर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन इज ऑफ डिफरेंशिएशन। द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन बट इन इम्प्लिसिट फंक्शन, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। वी हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दैट कर्व। तो वी विल डिफरेंशिएट ईच साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन ऑफ कर्व differentiating with respect to each side 3x square plus 3 बाहर लिखेंगे और x square y के लिए product rule use करेंगे। x square y को with respect to एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई और डी एक्स प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं, प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होती है, 3x स्क्वायर वाई सेकेंड टर्म डिफरेंशिएट होगी है, नेक्स्ट माइनस वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर डी वाई
ओवर डी एक्स, 3 की डिफरेंशिएशन 0 होती है। ये साथ डी वाई ओवर डी एक्स इसलिए रहते हैं क्यों, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज प्रोसेस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। टू डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन वी विल राइट डी वाई ओवर डी एक्स विद अ टर्म ऑफ वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 6xy माइनस 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज कॉमन इज इक्वल टू, ये दूसरी दो टर्म्स जो हैं 6xy एंड 3x के दूसरी साइड पे चली जाएंगी, माइनस 6xy माइनस 3x स्क्वायर, तो ये डिवाइड हो जाएगा राइट पे जाके डी वाई और डी एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस 6xy माइनस 3x स्क्वायर ओवर 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई फर्दर कर लेते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में से आप माइनस 3 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy यहाँ से भी माइनस 3 कॉमन ले लें, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। ये शो हो गया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो वहाँ पे कर्व के ऊपर टेंजेंट जो होता है बिकम्स पैरेलल टू, वेन द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो ग्रेडियंट ज़ीरो होता है, तो ग्रेडियंट को ज़ीरो पुट करेंगे हम, ग्रेडियंट को ज़ीरो पुट करके हम एक्स की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारा ग्रेडियंट था, इसको ज़ीरो पुट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से ये ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ से ये एक इक्वेशन आ गई है, यहाँ से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं एक्स कॉमन लेके, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस शोज दैट आइदर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 2y आ गया। अब ये एक्स की दोनों वैल्यूज़, ये एक्स की दोनों वैल्यूज़ हम ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करते हैं ताकि हमारे पास वो पॉइंट्स आ जाएं। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे इस कर्व की इक्वेशन में, एक्स थ्री
3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3। अब एक्स 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3, वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3 एंड वैल्यू ऑफ वाई क्यूब टेकिंग क्यूब रूट ईच साइड वी विल गेट माइनस 3 रेज टू पावर 1/3। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0 और नेगेटिव 1/3, नेगेटिव 3 की पावर 1/3। एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट हम यहाँ से फाइंड करेंगे एक्स की ये वैल्यू -2yb कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -2y पावर 3 प्लस 3 -2y पावर 2 -y क्यूब इज इक्वल टू 3। दिस बिकम्स 8y क्यूब प्लस 12y क्यूब -y क्यूब इज इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 3y3 इज इक्वल टू 3, वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 1। सो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इस वाई की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। एक्स इज इक्वल टू -2। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा -2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। वी हैव टू एक्सप्रेस द फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में इसको स्प्लिट करने के लिए वी विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस 9x ओवर 3x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू ए ओवर ए लीनियर फैक्टर दैट इज 3x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर क्वाड्रेटिक फैक्टर 3x² प्लस 3। तो इसको नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक एलसीएम ऑफ द राइट हैंड साइड एंड कैंसिलेशन वी विल गेट x² प्लस 9x इज इक्वल टू ए इंटू x² प्लस 3 बी एक्स प्लस सी। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसके साथ आ जाएगा 3x माइनस 1। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी विच आर कॉन्स्टेंट्स। तो उसके लिए करते हैं हम लीनियर फैक्टर को 0 पुट कर लेते हैं। दिस इज मेथड एक्स इज इक्वल टू 1/3। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1/3 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास किसी अननोन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 1/3 स्केयर। एक्स की जगह पे हम 1/3 पुट करते हैं 9 × 1/3 इज इक्वल टू यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे वैल्यू पुट होगी, यहाँ वो 0 हो जाएगा। जब एक्स को 1/3 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पुट करके हम एक ही वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 1/9
प्लस थ्री। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/9 प्लस 3, ये एलसीएम से ये आ जाएगा 28/9। तो लेफ्ट साइड पे भी 28/9 आ गया है। सो दोनों तरफ से 28/9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमारे पास दूसरा फैक्टर लीनियर नहीं है, वो क्वाड्रेटिक है, उसको ज़ीरो पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो सो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे कोफिशंट्स को, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स केयर के कोफिशंट कंपेयर करें यहाँ से, तो एक्स केयर का कोफिशंट लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट साइड पे हमारे पास ए है और 3 भी है। ए की वैल्यू हमारे पास है 1, 3 भी। यहाँ से ये कैंसिल हो गया है, बी इज इक्वल टू 0 आ गया, बी की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। हम इसी तरह एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। अब एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स का कोफिशिएंट 9 है, राइट साइड पे आ जाएगा हमारे पास माइनस बी प्लस 3c। बी की वैल्यू हमारे पास 0 है तो 9 इज इक्वल टू सी आ जाएगा, 3c इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। यहाँ से सी की वैल्यू आपके पास आ गई है 3। ए बी सी की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो हमारा जो फंक्शन था वो एक्सप्रेस हो गया है पार्शल्स में, तो वो बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ए इज 1, तो ये 1/3x-1। बी की वैल्यू 0 है तो सी आ जाएगा, सिर्फ रह जाएगा दैट इज 3/3x² + 3। तो ये हमारा फंक्शन जो था वो एक्सप्रेस हो गया पार्शल्स में, पार्शल फ्रैक्शंस में। इस बी पार्ट में हमने अब फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और 1 से 3 लिमिट है, तो हम फंक्शन की पार्शल फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 1 से 3 लिमिट है, 1/3x-1 प्लस 3/x² + 3। इसको हमने इंटीग्रेट करना है, दोनों फ्रैक्शन अलग अलग इंटीग्रेट होंगे, तो ये 1 से 3 लिमिट है, 1/3x-1 को अलग इंटीग्रेट करेंगे, और ये 3 जो है ये हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर भी ले सकते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 3 × 1 3 लिमिट है 1/x² + 3। नेक्स्ट इज इस फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम फार्मूला ये यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ
अगर ऐसे आ जाए ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर फार्मूला इज दिस वन ओवर ए कांस्टेंट है, वन ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो डिनोमिनेटर में दोनों स्केयर टर्म्स होनी चाहिए, बट थ्री इज़ नॉट अ स्केयर टर्म, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो इसको यूँ लिख लेंगे, पहले इसको वैसे लिखेंगे, वन से थ्री, वन ओवर थ्री एक्स माइनस वन, ये थ्री ऐसे आएगा, वन से थ्री लिमिट है, इसको यूँ लिख लेंगे एक्स स्केयर। थ्री को आप यूँ लिख सकते हो थ्री अंडर रूट स्केयर। तो अब हम इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, ये बन जाएगा लॉग थ्री एक्स माइनस वन ओवर थ्री। ये थ्री डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव लेके लिखते हैं, तो लिमिट है इसकी वन से थ्री, वन टू थ्री नेक्स्ट थ्री, और इसकी इंटीग्रेशन आएगी यूजिंग दिस फार्मूला, वन ओवर अंडर रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स ओवर अंडर रूट थ्री, लिमिट इज वन टू थ्री। नाउ वी विल अप्लाई द लिमिट, पहले इस को करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग एट ओवर थ्री माइनस लॉग टू ओवर थ्री, ये लिमिट अप्लाई हो गई है इस पे, प्लस नेक्स्ट है प्लस थ्री, इस पे भी लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा वन ओवर अंडर रूट थ्री टेन इनवर्स थ्री ओवर अंडर रूट थ्री माइनस वन ओवर अंडर रूट थ्री टेन इनवर्स वन ओवर अंडर रूट थ्री। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से वन ओवर थ्री कॉमन ले लेते हैं, वन ओवर थ्री लॉग एट माइनस लॉग टू प्लस थ्री, यहाँ से वन ओवर अंडर रूट थ्री कॉमन ले लेते हैं, विद इन ब्रैकेट आ जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री माइनस टेन इनवर्स वन ओवर अंडर रूट थ्री। अब यहाँ पे फिर इसको यहाँ लॉग प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी, यहाँ तो लॉग एट ओवर टू आ जाएगा प्लस थ्री, वन ओवर अंडर रूट थ्री, टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री की वैल्यू कैलकुलेटर देगा रेडियन में आपको पाई बाय थ्री, टेन इनवर्स वन ओवर अंडर रूट थ्री की वैल्यू आएगी पाई बाय सिक्स। अब इसको सिंपलीफाई करके हम आंसर ले लेंगे, ये कैंसिल आउट, तो वन ओवर थ्री लॉग फोर प्लस थ्री ओवर थ्री अंडर रूट, इसका एलसीएम लेंगे तो दैट इज़ टू पाई माइनस पाई ओवर सिक्स। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, इस फोर को लिख लेंगे लॉग टू रेज पावर टू प्लस, ये कैंसिल हो
हो गया, अंडर रूट 3 आ गया, पाई बाय 6 आ गया, तो ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3 लॉग 2 प्लस अंडर रूट 3 पाई ओवर 6, ये हमारा आंसर आ गया इन एग्जैक्ट फॉर्म।